गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज़ पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग कुछ स्पेशल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देखिए, ये जो सेंटेंसेस है वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, बच्चे उसमें फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं और फिर वो गलत कर देते हैं। एक्चुअली होता ये है कि ये बहुत ही आसान होते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं स्पेशल सेंटेंस में। तो सबसे पहले जो है रूल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ इन इनडायरेक्ट सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हिस्टोरिकल फैक्ट हैबिचुअल फैक्ट प्रोवर्ब्स आर प्रेजेंटेड देन दीज आर नॉट चेंज। देखिए बेटा, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर आपको कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सच्ची बात होती है, कोई आपको हिस्टोरिकल फैक्ट मिल जाता है यानी कि कोई इतिहास से जुड़ी हुई बात मिल जाती है, या हैबिचुअल फैक्ट मिल जाता है या कोई आदत से जुड़ी हुई बात मिल जाती है, प्रोवर्ब्स या कोई प्रोवर्ब्स मिल जाती हैं, लाइक आपको कोई थॉट मिल जाते हैं और वो प्रेजेंट हो उस सेंटेंस में, तो उन्हें चेंज नहीं किया जाता है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अब आप ही बताइए, क्या नहीं उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलता है क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो साइंस मानती ही है कि 100 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत हो जाती है पानी उबलने की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द टीचर का द टीचर, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट डेफिनिट है, फिर भी प्रेजेंट डेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट या प्रोवर्ब दिखाई देंगे तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर द वाटर बॉयज एट 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया गया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम सेड टू रवि, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। राम ने रवि से कहा कि कुत्ता जो है वो अजनबी पे भौंकता है, तो ये बात सही है, कुत्ता भौंकता ही है। अब आप अगर उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे तो हो जाएगा कुत्ता भौंकता था, तो मीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कुत्ता अभी भी भौंकते हैं ना, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं आया है, कुत्ते अभी भी भौंक रहे हैं। राम सेट टू को टोल्ड भी चेंज कर देंगे, जो इधर करते हैं आप वो तो वैसे ही करेंगे, रवि को रवि रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और बाकी जो है उसको एज इट इज़ उतार देंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री टीचर ने कहा कि समुद्रगुप्त को जो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो यहाँ पे देखिए ये बात क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, एकदम सही है। ओके, अभी भी कहा जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है कि कहा जाता था, क्योंकि कहा तो अभी भी जाता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में इन सब चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो लिखा है द टीचर सेट पूरा उतार दिया, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में लिख दिया, बाकी जो है उसको एज इट इज़ उतार दिया। देख पा रहे हैं इसको वॉज में चेंज नहीं किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रोवर्ब्स आ गए हैं या कोई थॉट्स आ जाए, जैसे ही सेट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आप उसको ही कहीं सेट का सेट, अगर या सेट टू या कुछ होता तो या टोल्ड चेंज हो जाता, अब नहीं है तो आप क्या करेंगे, सेट को सेट रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट रखेंगे, और उसको एज इट इज़ जो है उतार देंगे, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए हैं कि अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट या प्रोवर्ब मिल जाए तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, सेंटेंस पढ़ के पहले समझा जाता है कि कहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, हो सकता है कि वो हो, तब उसको नहीं चेंज करना होगा। ओके, अब रूल नंबर टू हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है इफ़ दिस, देख पा रहे हैं दिस को मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है, इस प्रेजेंटेड इन रिपोर्टिंग स्पीच इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर जो है दिस आया हो कहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह पर, रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट की जगह पर। ओके, अगर रिपोर्टिंग की सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, जबकि पिछली आप लिस्ट में पढ़ चुके हैं कि दिस को दैट में चेंज कर दिया जाता है। दिस को दैट में तभी चेंज किया जाता है जब दिस एडजेक्टिव बन के आए, ना कि प्रोनाउन बन के आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोनाउन बन के आया हुआ है, इसलिए दिस को चेंज नहीं करेंगे, ही का ही रखेंगे, सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, मी का मी करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट करेंगे, दिस का दिस रखेंगे, और अगर आप यहाँ पे दैट लिख देंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट दैट, है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा, तो इसको चेंज नहीं किया जाता है। इसको आप जानते हैं जैसे कि वॉज में आप चेंज कर रहे थे वैसे ही चेंज करेंगे,
माई फर्स्ट पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही का हीज हो जाएगा हाउस। ओके, रूल नंबर टू समझ में आया आप लोग को कि दिस वाला था ये रूल नंबर टू, अगर दिस आ जाए सब्जेक्ट की जगह पर तो उसको चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो है रूल नंबर थ्री, इसको बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ इन रिपोर्टिंग स्पीच टर्म ऑफ एड्रेस इज़ यूज देन इट इज़ चेंज इनटू सब ऑब्जेक्ट और इट इज़ पुट आफ्टर एड्रेस एज। देखिए बेटा, जैसे कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, जैसे कभी कभी हम लोग बोलते भी हैं कि हे दोस्त यार सुनो तो, और उसके बाद जो है फिर अपनी बात हम कहते हैं, या मम्मी ही कभी कभी हम लोग को कह देती हैं शैतान, उसके बाद कोई बात बोलती हैं, तो जो अलग से ये जो वर्ड पहले बोला शैतान या अरे यार या लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस टाइप के जो वर्ड हम लोग सुनते हैं तो उनके लिए क्या करें। तो जैसे लिखा हुआ है कि नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। अब देखिए उनकी माँ ने, उसकी माँ ने कहा है नॉटी बॉय शैतान लड़का, उसके बाद अपनी बात यहाँ पे कही कि यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तुम दोबारा से लड़ रहे हो। तो ये जो है अब देख रहे हैं ये नॉटी बॉय को कहाँ ले जाए। तो देखिए जब कभी भी इस टाइप के वर्ड सेंटेंस आए तो आप क्या करिएगा, उसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है एड्रेस एज में करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एड्रेसिंग। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे एड्रेसिंग, उसके बाद यहाँ पे एड्रेसिंग हर सन, मतलब अपनी अपने लड़के को संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग मीन्स होता है संबोधित करना। ओके, तो अपने लड़के को संबोधित करते हुए फिर यहाँ पे आप एज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए एड्रेस एज है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे एड्रेसिंग हर सन्स एज अ नॉटी बॉय, क्या बोला है अ नॉटी बॉय बोला है, तो एड्रेसिंग हर सन्स एज अ नॉटी बॉय। फिर यहाँ से जैसे आप बनाते चले आ रहे हैं वैसे बनाएंगे, क्या हिज मदर यहाँ पे सेड लिखेंगे, ये देखिए सेड लिखा हुआ सेड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लिखेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो आप यहाँ पे ही लिखेंगे क्योंकि उसकी माँ उसी से कह रही होगी ना लड़के से, तो ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैव का हैड कर देंगे, बीन का बीन कर देंगे, फाइटिंग अगेन का फाइटिंग अगेन कर देंगे। एक और सेंटेंस समझते हैं तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी सेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई एम चौकीदार, अब नरेंद्र मोदी ने कहा लेडीज़ एंड जेंटलमैन भाई और बहनों या जो भी मित्रों जो भी वो कहते हैं, उसके बाद वो अपनी बात रखते हैं है ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे एड्रेसिंग लिखेंगे, फिर वो किसको एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक, जबकि ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, या अगर कह दिया जाए कि यू किसी डॉटर वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए वो लड़की से कहा जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे भी, अभी तो हम लोग केवल रूल्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एड्रेसिंग लिखेंगे, फिर द पब्लिक, पब्लिक को संबोधित करते हुए, फिर यहाँ पे एज का यूज़ करेंगे, अभी मैंने बताया था एड्रेसिंग एज लगाते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है जिससे बात करी जा रही है, फिर यहाँ पे जो बात बोली गई है जैसे वहाँ नॉटी बॉय बोली गई थी यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोला गया है, उसके बाद जैसे आप बनाते थे वैसे बनाइए, क्या नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, यहाँ पर लिखिए सेड, सेड का सेड लिखिए, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटाइए ये वाला, यहाँ पे दैट लिखिए, उसके बाद आई एम ए चौकीदार यानी ही वॉज चौकीदार, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पे ही आएगा, एम के लिए यहाँ पे वॉज आएगा, चौकीदार का चौकीदार आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर रूल नंबर फोर में क्या होता है बेटा, अगर आपको कहीं सेंटेंस में नीड नॉट या नीडेड दिख जाए तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, जैसे कि ही सेड टू हिज वाइफ आई नीडेंट गो देयर नाउ, मुझे वहाँ जाने की अब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप ही का ही रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, हिज वाइफ को हिज वाइफ रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लिखेंगे, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ही के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही को आप ही लिखेंगे, नीडेंट को आप नीडेंट ही रखेंगे। ओके, गो को गो रखेंगे, देयर को देयर रखेंगे, नाउ का देन हो जाता है। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे आपको हेयर मिले तब आप उसको देयर में चेंज करिएगा, अगर मान लीजिए आपको देयर ही मिल जाता है तो आपको देयर का देयर ही लिखना पड़ेगा, नाउ का आपको मैं बता चुका हूँ नाउ का देन चेंज होता है तो वो चेंज होगा। ओके, अब रूल नंबर फाइव पढ़ने जा रहे हैं हम लोग।
रूल नंबर 5 में लिखा है इफ इन डायरेक्ट सेंटेंस, इफ इन डायरेक्ट सेंटेंस यानी डायरेक्ट सेंटेंस में वेल यू सी आर यूज इट इज़ रिमूव्ड। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में आपको वेल दिख जाए या यू सी दिख जाए तो आप उसको हटा देंगे। ओके बहुत आसान है, हटाना ही है केवल इसमें। तो लिखा है माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज। अच्छा आपने ऐसे सेंटेंस सुनोगे जिसमें लोग कहते हैं वेल वेल लगा के फिर कोई भी बात करते हैं, तो ये जो सेंटेंस होते हैं उनमें वेल जो है हटा दिया जाता है। ओके तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा माई मदर, माई मदर का माई मदर कर दीजिए, सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके राम है, माई मदर माम ने राम से कहा है। ओके जब कोई ना हो कहने वाला तब आप सेट का सेट रखते हैं, लेकिन जब कोई कहने वाला है जिसे कहा जा रहा है सब कोई ऑब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड राम। ओके अब देखिए ये जो वेल है इसको हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे शी लगाएंगे, शी के साथ विल का यूज करते हैं तो इसलिए यहाँ पे वुड हो जाएगा, गिव। और फिर यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन आया है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, राम, तो यहाँ पे हिम कर दीजिए, आप प्राइस। ओके तो सब तो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने पहले बताया, थोड़े से टिपिकल हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सह सकता। ओके तो यू सी देखिए, यू सी तुम जानते हो, यू सी जो होता है ये भी एक टाइप का, मतलब तुम जानते हो, तुम देखते हो कि मैं कुछ भी नहीं ऐसा नहीं सह सकता, ये कुछ बोलने का तरीका होता है थोड़ा। ओके तो अगर ये कभी सेंटेंस में आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ फादर का फादर, सेड का सेड, अब यहाँ पे किससे कहा जा रहा है ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेट का सेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे राम था तो यहाँ पे टोल्ड कर दिया गया था। इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आ जाता तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ही लगा दिए सकते हैं, आई लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे तो है ना आई। ओके तो कैन का हो जाएगा कुड, ये मैं बता चुका हूँ, नॉट का नॉट, टोलरेट का टोलरेट, सच का सच और थिंग्स का थिंग, कुछ भी बदलने वाला नहीं था तो नहीं बदला गया। आगे देखते हैं रूल नंबर 6 में जो है बेटा लिखा हुआ है इफ इन डायरेक्ट स्पीच सर मैम आर यूज देन इन प्लेस ऑफ सर मैम रिस्पेक्टफुली वर्ड इज यूज। अगर आपको सेंटेंस में सर मैम ऐसा कुछ दिखाई दे जाए तो आप उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, लेकिन कहाँ पर, रिपोर्टेड वर्ब में लिखेंगे। ओके जैसे लिखा था स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या क्लास 12th या जो भी हो, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा, सेड से पहले आप क्या लिख दिए, रिस्पेक्टफुली। अब ये रिस्पेक्टफुली लिखने से क्या हो गया कि ये जो सर है इसको हटा दिया जाएगा और इसको मान लिया जाएगा। द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली टोल्ड, देख रहे हैं सेड टू को बाद में लिखा, ओके टोल्ड हिज टीचर दैट आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, दे कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दे कर दीजिए, और दे कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वर हो जाएगा। ओके वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट हो गया, बाकी जब कभी भी सर मैम आएगा तो आप उसको क्या कर देंगे, रिस्पेक्टफुली टोल्ड या रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, ये जो भी वर्ड्स होते हैं वो अभी मैं बताऊँगा, वो वैसे ही आप करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, अभी तो हम लोग केवल सीख रहे हैं कि क्या हटेगा क्या रहेगा। ओके फिर एक रूल नंबर 7 है, इसमें लिखा है कंडीशनल सेंटेंस इन विच अनरियल पास्ट टेंस इज यूज इट कांट बी चेंज। देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा, कंडीशनल सेंटेंस में जो पास्ट होते हैं, पास्ट टेंस जो होते हैं उनको चेंज नहीं किया जाता है। ओके जैसे लिखा है रेखा सेट इफ माय कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन द टाइम, अगर काश अगर मेरा घर जो है वो मेरा जो कॉलेज है घर के पास होता तो मैं वहाँ समय पर पहुँच जाती। तो यहाँ पर देखिए रेखा सेट लिखा हुआ है
इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखा है, और उसके आगे का जो सेंटेंस है उसका केवल प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे माई का हर चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आप समझिएगा कैसे हो जाएगा, रेखा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, वर का वर ही रहा, देखिए कुछ नहीं चेंज हो रहा है, केवल यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस का पास्ट आ जाता है तो उसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 8 है हमारा, अगर आपको थैंक यू या होप या फील ये प्रेजेंट हो आपके डायरेक्ट स्पीच में तब क्या होता है। जैसे लिखा है द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो आप इसका बनाएंगे द सर्वेंट थैंक्ड, क्या बनाएंगे थैंक्ड। ये सेट टू का टोल्ड ओल्ड खत्म कर देंगे, थैंक यू आ जाएगा तो आप वहाँ पर लिखेंगे थैंक्ड, द सर्वेंट थैंक द मास्टर फॉर हिज हेल्प। योर का आप समझ रहे हैं ना, योर आपका सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फॉर हिज हेल्प, देख रहे हैं इसमें दैट का भी कहीं भी यूज नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। द सर्वेंट थैंक द मास्टर फॉर हिज हेल्प। या अगर आपको लिख जाए सोहन सेड आई फील सॉरी, देखिए यहाँ पे होप आ जाए कभी भी तो आप क्या करेंगे, सॉरी फील, यहाँ पे देखिए फील है ना, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, कि मैं दुखी हूँ जो भी मैंने कहा है, तो आप क्या लिखेंगे सोहन सेड को सेड किस में चला जाएगा, फेल्ट में, यानी कि अगर थैंक यू आ जाएगा थैंक कर देंगे, फील आ जाएगा तो फेल्ट कर देंगे, है ना। क्या फेल्ट करते हैं, सॉरी करते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा एज इट इज़ उतार दीजिए। बस क्या किस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ आई आया है तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, यहाँ ही हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे लिखा हो ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे, तो यहाँ पे ही का ही सेड किस चीज़ में चेंज हो गया, होप्ड में की चेंज हो गया। क्यों, यहाँ पे देखिए होप आया है, जब कभी भी होप आए, थैंक यू आए, फील आए, तो आप ऐसे ही चेंज करेंगे, थैंक यू आएगा तो थैंक, होप आएगा तो होप्ड, फील आया तो फेल्ट। ही होप्ड दैट, फिर जो है आई, आई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन यानी हिज हिज फ्रेंड, फिर यहाँ देखिए आई होप किस में बदल गया, होप्ड में बदल गया, दैट माई फ्रेंड यानी हिज फ्रेंड, विल का वुड बन गया, कम आप जानते हैं कम गो में बदल जाता है, लिस्ट में मैं बता चुका हूँ, टुडे का दैट डे हो जाता है। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को बेटा आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़िए समझिए, थोड़े से टिपिकल ज़रूर हैं लेकिन समझ में आ जाएंगे अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, गुड डे।